good afternoon. Late आने के लिए माफी चाहता हूँ. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, पर आप late हैं. I'm sorry, but sir, I am not to be blamed. मैं late आपकी वजह से हुआ हूँ. हाँ, सर आपको दादर की वो समोसे आपको पसंद है ना? वही तो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए. चंदू, अरे बक्तो इसका है. चलो सर्व करो ये, प्लीज लेकर ले, लेकर ले. लीजिए आपके लिए खास. चलो अब खाते खाते प्रेजेंटेशन देखते हैं. आइए ये बात. ओके. अच्छा हुआ दासन नहीं है आज, नहीं तो समोसे के चक्कर में डील हाथ से पक्का चली जाती. कियारा, आप सही कह रही थी. मिस्टर राजेश वागले सच में आपकी कंपनी के स्टार एम्प्लॉय. कियारा, निक, the deal is on. Oh, fantastic! Thank you so much. I'll make a move. नहीं तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा. Yeah, yeah. All right. Thank you so much. Thank you. Good day. See you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Once again, sorry for the delay. Mr. Wagle, कहाँ रह गए थे आप? हमारे हाथों से almost deal जाने वाली थी. I'm sorry. वो घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो. मेडिकल इमरजेंसी? क्या हुआ मिस्टर वागले? मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था और उतने में आराम से दादी बस सखी जल्दी से गर्म पानी में शहद मिला कर ला. जल्दी हाँ, आराम से. मम्मी क्या हुआ? क्या बताओ बेटा, काफी देर से लगातार खांसी जा रही, रुक ही नहीं रही है. इरिटेशन की वजह से खांसी हुई होगी. इरिटेशन नहीं है राज, नॉन स्टॉप खांस रही है, जैसे खांसी का दौरा पड़ा. मनोज दादा और विद्या कहाँ? सखी काम पर गए, वो इसीलिए तुझे फोन किया. कुछ कर बेटा, जल्दी जल्दी ला सकते. माँ ये दादी दादी का शहर धीरे 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 धीरे. बंधु मुझे लगता है मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं. मम्मी चलो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. अरे ये बेटा चेंज पहना, उसकी वजह से खांसी आ रही मुझे. एक मिनट दादी, ये सिर्फ वेदर चेंज की वजह से नहीं हो रहा है. ये देखिए टेबल पे कितनी धूल जमी हुई है, तो सोचो कि हवा में कितनी होगी. बाप रे, यहाँ की हवा तो सांस लेने लायक नहीं रही. गार्डन के दो चक्कर लगाता हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती. सारा दोष जहरीली हवा का है. एग्जैक्टली दादाजी, ये सब ना पोल्यूटेड हवा के वजह से ही हो रहा है. लेकिन समझ में नहीं आ रही ये धूल आ कहाँ से रही है. अच्छा मम्मी, वेदर चेंज से हुई खांसी कहकर हम इसे लाइटली नहीं ले सकते. अभी क्या, अभी चलते हैं डॉक्टर के पास. चलो चलो. नहीं मम्मी, आराम से आइए चलो. और डॉक्टर का क्लिनिक 5 मिनट की दूरी पर है घर से, पर वहां पहुंचने में आधा घंटा लगा. कैसे? हमारे बिल्डिंग के बाहर की गली पिछले एक हफ्ते से खोद के रखी है. पता नहीं ऐसा कौन सा कोहिनूर हीरा ढूंढ रहे हैं उसके अंदर घुस के. मतलब परपेचुअली ट्रैफिक जाम होता है, एक गाड़ी नहीं हिलती है वहां से. और जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वो हॉर्न बजाते रहेंगे. उन्हें लगता है कि हाँ ये गाड़ी खड़ी है ना, मतलब ये जो ड्राइवर है ना वो एसी लगा के आराम से बीच सड़क में बैठा है गाड़ी पार्क करके. अरे गधे, उतर के देख तो सही. अच्छा सेकेंडली, जो बाजू वाली लेने जहां से गाड़ी आ रही है, ये हमारे जो ड्राइवर्स है वो यहां से निकलते हैं ना, तो फिर आने वाला ट्रैफिक वो भी चक्का जाए. मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करूं. इतना हॉर्न बजाते, इतना नॉइज पोल्यूशन होता है, इतना डस्ट पोल्यूशन, इतना एयर पोल्यूशन होता है, पूछिए मत. और हम बस बैठे रहते हैं
वेट करते रहते, प्रार्थना करते रहते भैया जल्दी से जैम से निकलें और अपने अपने ऑफिस चले जाएं। आज पता है मैं खुद गाड़ी के बाहर उतर कर ट्रैफिक मैनेज कर रहा था। इस पूरी धांधली में इस ये जो ट्रैफिक जाम था उसकी वजह से अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो काम डाउन मिस्टर वागले, काम डाउन। मैम आई एम सॉरी, आई एम जस्ट थोड़ा फ्रस्ट्रेशन। पर राजेश भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर आपको इतना लेट हो गया तो आप मिस्टर मीर से नानी के लिए दादर से समोसे कैसे लेकर आए? आई नो, दादर से नहीं लाया हूं, सामने वाले भवानी शंकर की दुकान से लाया हूं। पर राजेश भाई ऑन अ पर्सनल लेवल प्लीज अपनी फैमिली का ख्याल रखिए प्लीज। आई नो, इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। क्या करेंगे अभी राजेश भाई, अपनी बिल्डिंग में हर घर में यही सेम प्रॉब्लम है, या तो कोई खांस रहा है या तो किसी घर में कोई बीमार है। हमारे को बहुत मजा आ रहा है। कल से ये अपना जालर जोशीपुरा लगभग 37 बार हमारे को सॉरी बोल चुका है। ऐसा क्या किया उन्होंने? छींक रहा था ना वो, और रूल्स के हिसाब से जब कोई छींकता है तो उसको सॉरी बोलना पड़ता है। जब वो सॉरी बोलते हैं ना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कान में किसी ने माउथ प्रेशर डाल दिया हो। लेकिन अच्छा, तो पूरी बिल्डिंग में सब बीमार है हा? आपके घर की हाँ सब एकदम ठीक है, कैसे? क्योंकि राजेश भैया हर्षद वो करते हैं जो पूरी सोसाइटी में कोई नहीं करता। क्या माउथ फ्रेशनर खाना? नहीं नहीं वो देखिए वो हमारा नया आरओ प्यूरिफायर। अबे ये भावरी, आरओ प्यूरिफायर नहीं होता है, वो एयर प्यूरिफायर होता है। हाँ वही सेम टू सेम। और कैसा है राजेश भाई, है ना एकदम मस्त आइटम है? क्या है ना राजेश भाई, अपने एरिया में ना पॉल्यूशन बहुत है। अभी देखो ना आसपास में कितना कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जिधर देखो उधर रोड खोद के रखा है। और नहीं तो क्या, उसकी वजह से हमारे एरिया का आईक्यू भी कम हो गया। आईक्यू तेरा कम हो गया है बावरी, आईक्यू नहीं होता है वो, AQI होता है। मतलब? एयर क्वालिटी इंडेक्स। मतलब? मतलब एक क्यों आए? मतलब वाला। अरे देख, हम बीमार पड़ते हैं तो मुंह में थर्मोमीटर रख के उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। हाँ। है? वैसे ही एक क्यों आए होता है ना, उसको मान ले कि थर्मोमीटर है जिससे आस पास की हवा है ना उसकी क्वालिटी चेक की जाए। जो एरिया का एक क्यों आई ज्यादा वो एरिया की हवा उतनी जहरीली, और हमारे यहाँ का तो AQI बहुत ज्यादा है राजेश भाई, इसीलिए मैंने ये एयर प्यूरिफायर खरीद लिया। पूरी साई दर्शन सोसाइटी बीमार है लेकिन मेरे उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं देखती हूँ। प्रणाम। अरे नमस्ते हर्षद भाई। हाँ हाँ हर्षद, आदित्य भाई है। आया आदित्य भाई आया, बात क्या कर रहे हैं? हर्षद भाई अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी में कहीं पहुंचना है, अभी जिस काम के लिए बुलाया। चाय तो पी के जाइए। मैं चाय पक्का पीऊंगा लेकिन अब जिस काम के लिए बुलाया वो कर दीजिए। अरे चल ठीक है, जा जल्दी बैग लेके जा। हाँ अभी लेके, अब आते तो मजा आता रहा। आऊंगा ना अगली बार पक्का आपके पास बैठ के खाना कर देते। ले लीजिए। क्या ये टी बैग? इन्होंने कहा ना कि ये जल्दी में चाय नहीं पी पाएंगे तो इसलिए घर जाके ये बना के चाय पी लीजिएगा। मेरे कैलिफोर्निया के 7-bedroom हॉल किचन वाले भैया है ना, उन्होंने भेजी, एकदम मस्त है। अरे बावरी होगी तू, ये क्या बैग दे रही है? ये बैग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो बैग लेके आया जो इनके लिए रखा है। जा, 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 जा। ओ, अच्छा वो 1 crore rupees। चुप रहे ना तू, जा जल्दी। क्या कर रही है? एक है, 4-5 काम एक साथ में करती है ना तो दिमाग खराब हो गया है, तो वायरिंग का प्रॉब्लम है। ये राजेश भाई
राजेश वागले इधर सामने रहते हैं। वाह मस्त आदमी, एकदम मस्त आदमी। और राजेश भाई ये आदित्य भाई, ये भी मस्त आदमी, सुपर। अगली बार आपके साथ चाय पीऊंगा बैठ के, अभी जल्दी है। अरे दे 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 दे। थैंक यू अर्षद भाई। हाँ 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 थैंक यू भाभी, भाभी थैंक यू। राज भाई मिलता हूँ बाद में, नेक्स्ट टाइम पक्का। अरे ये इतनी खराब हो गई कपड़ों की, क्या है आप? पाउडर हो गई? नहीं नहीं वो कुछ खास नहीं, व्यवहारिक बात है थोड़ी, वो छोड़ो ना उसको। राजेश भाई मैं बोल रहा हूँ कि आप भी ये खरीद लो, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा आपके घर पे भी। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? हमारा भविष्य। क्या लिखा है हमारे भविष्य में? खर्चा आने वाला है। 35,000 का एयर प्यूरिफायर? हाँ खरीदना पड़ेगा, जरूरी है। ऐसा क्या जरूरी है राज, इतने साल से तो हम बिना एयर प्यूरिफायर के ही काम चला रहे हैं ना। हाँ पर इतने सालों में पहली बार मुंबई की एयर क्वालिटी भी तो इतनी बुरी तरह गिरी नहीं थी ना, और अभी ये लग्जरी आइटम नहीं रहा, ये जरूरत हो गई है। मतलब रोटी कपड़ा मकान और साफ हवा has become a necessity. सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइफ में ऐसा भी एक वक्त आएगा जब साफ हवा के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे पर इतने पैसे? नहीं कर लेंगे मैनेज बंधु, और वैसे भी ये नो कॉस्ट EMI है, और मम्मी की तबीयत के साथ ना रिस्क नहीं ले सकते। ये एयर प्यूरिफायर मम्मी के घर के लिए खरीदना ही होगा। पानी पी, पानी पी। बंधु मैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा रहा हूँ, हम दोनों घरों के लिए खरीद लेते हैं। Are you sure? हाँ हाँ नहीं नहीं हेल्थ के आगे नो कॉम्प्रोमाइज। एक मिनट डैडी, ठीक है अगर कोई बीमार है तो उस बीमारी का जड़ से इलाज करना चाहिए या फिर सिर्फ दर्द कम करना चाहिए? ऑफ कोर्स जड़ से इलाज करना चाहिए ना सखी। हाँ तो फिर डैडी आपको एयर प्यूरिफायर मंगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस बीमारी का इलाज है। क्या? यस बीमारी का इलाज जानने से पहले हमें बीमारी को समझना चाहिए। ये देखिए ये है मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मॉडरेट है, और ये हमारी एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये तो काफी खराब है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन पूरी बोरीवली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरा नहीं है, मतलब पूरी बोरीवली में हवा की क्वालिटी बुरी नहीं है, सिर्फ हमारे एरिया में ही कंडीशन खराब है, मतलब ये बीमारी की असली वजह है। तुमने कहा तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? ऑफ कोर्स है, ये देखिए सखी वागले का एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट। आदित्य भाई का फोन? हाँ बोलो बोलो आदित्य भाई। कितने माले तक पहुंची हमारी बिल्डिंग है? अरे एक बात बताओ, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तो तुमने मुझे किसी वागले नाम के आदमी से मिलाया था? हाँ हाँ राजेश भाई, राजेश वागले सामने तो रहते। अच्छा 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 अच्छा, और ये सखी वागले क्या लगती उनकी? बेटी है उनकी, अपने घर की बच्ची जैसी है। ये जो आप के घर की बच्ची जैसी सखी वागले है ना, इसको लगता है पंगा लेने का बड़ा शौक है। क्या हुआ भाई? हुआ नहीं, होने वाला है। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट बंद होने वाली है, वो भी तुम्हारी घर की जैसी बच्ची के कारण, सखी वागले के कारण।
ऐसा क्या किया है सखी ने भाई? मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ अर्शद भाई, गौर से देखिए और बताइए क्या किया है आपकी घर की बच्ची जैसी सखी ने। दर्शकों, आज मैं आपको बोरीवली में बनने वाली बिल्डिंग न्यू पैराडाइज के बारे में कुछ सच्चाई बताने वाली हूँ। ये बिल्डिंग बनाने वाले गोराडी और शाह बिल्डर्स गवर्नमेंट के दिए हुए एक भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपनी आंखों से देखिए कैसे ये बात उस बिल्डिंग के सेल्स मैनेजर आदित्य पोदार ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में खुद अपने मुंह से कही है। hey, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी प्रापी या आपके लिए प्रोटीन स्मूदी? नहीं नहीं नहीं, आपके बिल्डिंग में एक 2 BHK फ्लैट। वाह, एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ सुना है तो मैंने इसे कहा कि आपके कुछ सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। एकदम करेक्ट सुना है आपने, सब लोग जानते हैं कि अखा बोरीवली में हमसे बेटर और हमसे रीजनेबल कोई दूसरा बिल्डर फ्लैट नहीं दे सकता। मैंने आते वक्त नोटिस किया कि गवर्नमेंट के रूल्स आप ठीक से फॉलो नहीं करते। अब जी मैं समझा नहीं। आई मीन रूल्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के वक्त बिल्डिंग को शीट से कवर किया जाता है ना, और रोड साइड पे भी नेट प्रोटेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि पत्थर या कुछ भी रोड पे ना गिरे, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें, है ना? हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे वाटर स्प्रिंकलर्स का होना बहुत जरूरी है, वो उड़ती हुई धूल और मिट्टी को जमीन पे ऐसे सेटल डाउन कर देते हैं वरना एयर पोल्यूशन होता है। तो मैंने तो वो भी कहीं नहीं देखा आपके पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पे। वो आपने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, मैंने आपसे कहा था ना अखा बोरीवली में मुझसे बेटर और रीजनेबल, फिर रिपीट कर रहा हूँ रीजनेबल, कोई दूसरा बिल्डर फ्लैट नहीं देता। तो आप बताइए अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन के चक्कर में पड़ेंगे मैडम तो खर्चा बढ़ेगा। अब खर्चा बढ़ेगा तो मैं अपनी जेब से तो रिकवरी नहीं करूंगा ना, रिकवरी मैं आप ही से करूंगा, और जब रिकवरी करूंगा तो फ्लैट की कीमत भी बढ़ेगी, फिर आप ही लोग कहेंगे कि मुंबई में इतने महंगे फ्लैट मिलते हैं। बताइए सिर्फ इन फिजूल के रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। फिजूल के रूल्स, लेकिन इन्हीं रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अरे एयर पोल्यूशन क्या होता है मैडम, एयर पोल्यूशन एक स्कैम है बहुत बड़ा। हम लोग भी बचपन में धूल मिट्टी में खेले हैं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज बच्चे को जरा सी खांसी हो जाए माँ बाप दौड़ते हैं सीधे अस्पताल की तरफ। और थोड़ा बहुत एयर पॉल्यूशन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत बीमार होगा दो चार दिन अस्पताल में एडमिट रहेगा, मर थोड़ी ना जाएगा। कस्टमर को घर सस्ता मिल रहा है ना, कस्टमर इज द किंग मैडम। वैसे और क्या क्या करते हैं आप खर्चा कम करने के लिए? मतलब मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि कुछ बिल्डर्स हैं जो अपने बिल्डिंग के नींव भी कमजोर रखते हैं, खराब क्वालिटी का माल यूज करते हैं जिससे कुछ ही सालों में बिल्डिंग गिर सकती है। तो हाँ, वो रिपोर्ट में मतलब आपके प्रोजेक्ट का भी नाम था। सर साजिश है, इतना तो समझिए आप, ये दूसरे बिल्डर चाहते नहीं है कि उनसे सस्ता फ्लैट कोई दूसरा बिल्डर दे दे, वो जानबूझ के हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। अरे मैं आपसे, आप बताइए मैं किसकी कसम खाऊं, बच्चों की माँ बाप की? हमारी बिल्डिंग की नींव 100 साल तक हिल नहीं सकती किसी भी सूरत में, और आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप चल के एक बार सैंपल फ्लैट देखिए। अब आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पिक्चर्स और वीडियोस ले सकता हूँ? आपकी बिल्डिंग है, आपके जितने मन हो उतनी तस्वीरें लीजिए, उतने वीडियोस बनाइए, आइए। नागरिकों की सेहत पर पड़ रहा है।
देखा तुमने? जी 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 भाई। अगर ये वीडियो वायरल हो गया ना तो मुझ पर तो इंक्वायरी बैठेगी ही, और मेरे बॉस को पता चल गया तो मेरी नौकरी तो गई। साथ ही साथ जितनी साइट्स पर भी काम चल रहा है सब बंद हो जाएगा। और ये सब किसकी वजह से होगा? अपने घर की बच्ची सखी वागले की वजह से। जाके समझाओ उसे, बॉस से पंगा ना ले, क्योंकि मेरे बॉस से पंगा लेने का मतलब है पूरी बिल्डर लॉबी से पंगा लेना। प्यार से नहीं माने तो मैं भी मजबूर हूं, छोड़ूंगा नहीं भाई। भाई, भाई बच्ची है वो। तो जाके समझाओ अपनी बच्ची को, समझाओ कि वीडियो तुरंत डिलीट कर दे। आप टेंशन मत लो भाई, डिलीट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं करता हूँ कुछ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.